सब लोग, उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और फाइन शाइन होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे दो बहुत ही प्यारे से फ्रॉक डिज़ाइन, जिन्हें एक को मैंने स्टिच करवाया है, अनस्टिच था, उसे अपने स्टाइलिंग से स्टिच करवाया है, और एक मैंने रेडी टू वेयर बाय किया था जिसे मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग को करके उसे थोड़ा सा चेंज लुक देख के, डिफरेंट लुक देख के मैंने उसे स्टाइलिश बना लिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनस्टिच को, तो लेट्स स्टार्ट। जी तो ये है मेरा वो अनस्टिच ड्रेस जिसे मैंने टू पीस बाय किया था। इसका दुपट्टा जो है वो सिल्क ब्रोशियो का बहुत ही खूबसूरत है, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम शर्ट की डिटेलिंग देखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं एम्ब्रॉयडरी, थ्रेड वर्क की जो एम्ब्रॉयडरी थी वो मुझे इसके साथ जो थी पैच मिला था, जिसे मैंने अटैच करवाया है। और बीच में जो आप देख रहे हैं स्काई ब्लू की शाइनिंग वाली पट्टी, ये मैंने लगवाई है, इसे शील्ड की पट्टी कहते हैं, ये इजीली मिल जाती है। तो इसे मैंने ये नेक लाइन पर लगवाया है ताकि जो इसके जो डार्क कलर है उसके साथ लाइट कलर आए, तो वो जो प्रोमिनेंट नेक लाइन जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो और ज़्यादा शाइन करे, अच्छी सी प्यारी सी लगे। और यहाँ पर साइड पर मैंने इस राइट हैंड पर जो डिज़ाइनिंग करवाई है वो इस तरह से है कि मैंने प्लेट बारीक बारीक सी प्लेट्स डलवाई हैं, ना बहुत ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली है, मीडियम साइज़ की मैंने प्लेट्स लगवाई हैं। फिर मैंने जो टिशू नेट का कपड़ा जो मैंने दामन में लगवाया है लाइट पर्पल कलर का, जो कि एम्ब्रॉयडरी में आ रहा है, उस तरह से मैंने लूप्स बनवाए हैं। और ये ऑफ वाइट कलर के मैंने ये हैंगिंग्स लगवाई हैं, जो कि हम नेक लाइन जब पहनेंगे तो इतनी खूबसूरत लगेगी, आप खुद ही देख लीजिएगा कि ये इसको जो मैं आपको दूर से शॉट दिखा रही हूँ कितने प्यारे लग रहा है। ब्लू पट्टी जो नेकलाइन पे वो और साइड पे जो डिज़ाइनिंग है वो दोनों एक दूसरे को कितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और नेकलाइन कितनी खूबसूरत लग रही है। तो इस तरह से हैंगिंग लगवाने से और इस तरह से प्लेट्स बनवाने से है जो वो थोड़ा नेकलाइन जो है थोड़ी डिफरेंट भी लग रही है और प्यारी भी लग रही है। नेक्स्ट नेकलाइन के बिल्कुल ही एक इंच के फासले पर ही मैंने ये डिज़ाइनिंग करवाई है, ये लाइट स्किन कलर की मैंने ये डबल पाइपिंग करवाई है। और बीच में जो मैंने दो पल्स लगवाए हैं, एक ब्लू कलर का एक गोल्डन कलर का, और इसके साथ जो मैंने ऊपर जो है वो लीफ शेप का क्रिस्टल लगवाया है छोटा सा गोल्डन कलर का, ताकि जो है वो पल्स के साथ क्रिस्टल हो तो वो लाइट लाइट सी शाइनिंग सी प्यारी सी लगे। और साथ ही मैंने पट्टी लगवाई है उसी पर्पल कलर के टिशू नेट के कपड़े की, जो कि मैंने दामन में और नेकलाइन के लूप्स में इस्तेमाल किया है। और नीचे हम दामन की डिज़ाइनिंग देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक लेस लगवाई है, जो कि आप देख सकते हैं मेरे ड्रेस से कितनी मैच हो रही है, गोल्डन ब्राउन वही बिल्कुल कलर है जो मेरे ड्रेस का है। और मुझे ये अराउंड 40 या 45 रुपीज़ गज मिली थी और अच्छी सी मिल गई थी मुझे, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी। और फिर मैंने ये टिशू नेट का कपड़ा बाय किया था, ये पर्पल कलर का, ये ब्लू और पर्पलिश कलर है, ना बहुत ज़्यादा ब्लू है ना बहुत ज़्यादा पर्पल है, बहुत अच्छा सा प्यारा सा कलर है। इसके साथ मैंने ये फिर पाइपिंग से कट बनवाए हैं गोल रिंग स्टाइल से, ये मैंने बनवाए हैं ताकि जब हम फ्रॉक पहनेंगे तो राउंड में ये बहुत खूबसूरत लगेगा। और स्लीव्स पर भी मैंने इसी तरीके से टिशू नेट का कपड़ा लगवा कर ये राउंड राउंड कट बनवाए हैं स्किन पाइपिंग से, और वही लेस लगवाई है जो मैंने दामन पर लगवाई है। और ये फ्रंट की ओवरऑल लुक है। बैक की तरफ चलेंगे, बैक जो इसकी बिल्कुल प्रिंटेड है, कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं है, सिर्फ इसकी एम्ब्रॉयडरी नेकलाइन के साथ ही आई थी, जो पैच आया था वो मैंने नेकलाइन पे लगाया। पीछे मैंने इस तरह से डिज़ाइनिंग करवाई है कि जो राइट हैंड पे मैंने आगे करवाई थी डिज़ाइनिंग, पीछे भी मैंने राइट हैंड पर इस तरह से प्लेट्स डलवा कर इस तरह से ये पट्टी लगवाई है, जो साइड पर डिज़ाइनिंग की पट्टी आती है, ये जो आप देख सकते हैं प्रिंटेड पट्टी लगी हुई है लूप्स के पास, ये मैंने पट्टी लगवाई है और वही पिंटेक्स सॉरी प्लेट्स लगवाई हैं जो मैंने आगे लगवाई हैं और लूप्स लगवाए हैं। लेकिन मैंने पीछे जो है वो हैंगिंग्स नहीं लगवाई, वजह ये है कि क्योंकि जो हैंगिंग होती है वो बालों में आ जाती है और मुझे इसे मतलब बहुत ज़्यादा फॉर्मल तरीके से यूज़ नहीं करना था, कैजुअली यूज़ करना था, तो फिर मैंने इसे जो है वो पीछे हैंगिंग नहीं लगवाई। लेकिन अगर आप लोग लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं। और बात करेंगे अब हम इसके ट्राउज़र की। ट्राउज़र मैंने जो है उसके साथ ये वाला लाइट पर्पल का जो एग्जैक्टली मेरा वही शेड है जो मैंने टिशू नेट के लिए लिया था और मेरे ड्रेस पे भी है ये कलर, तो एग्जैक्टली मैच हो रहा था तो मैंने इसके साथ ये वेयर किया। ये मैंने रेडी टू वेयर बाय किया था, एम्ब्रॉयडरी वगैरह सब थी, बिल्कुल स्टिच था, लेकिन इसके साथ ऑफ वाइट भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास ये था तो फिर मैंने ये वेयर कर लिया। अब हम चलेंगे इसके दुपट्टे की तरफ। दुपट्टा जो है देखिए इसका कितना खूबसूरत है, और स्ट्रेस को लेने की सबसे बड़ी वजह इसका दुपट्टा था। एक तो मुझे मेरे पास ये कलर नहीं था और फिर इसका डिफरेंट दुपट्टा जो है इसकी प्रिंटिंग जो है उसके जो कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही डिफरेंट सा कलर कॉम्बिनेशन, डिफरेंट सी प्रिंटिंग थी। सिल्क का ये ब्रोशिया का दुपट्टा है जिसे मैंने जो है सिर्फ ओवरलॉक पिको से ही सही करवाया है, कुछ और नहीं करवाया, क्योंकि इस दुपट्टे की जो लुक है वो वैसे ही इतनी खूबसूरत है। और फिर मैंने जो शर्ट पर इसकी डिज़ाइनिंग की है तो उससे और ये ड्रेस मुझे अच्छा लगा, पर्सनली मुझे तो अच्छा लगा, आप लोगों कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये इसकी ओवरऑल लुक है ड्रेस की, ट्राउजर के साथ दुपट्टा और शर्ट के साथ। इसके साथ ऑफ वाइट ट्राउजर भी अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप लोग के पास अवेलेबल हो कलर में जो आपके ड्रेस से मैच करता हो तो आप वो भी वेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑफ वाइट या ब्लैक जो भी ड्रेस में आपके साथ कलर मैच जाता हो इजीली वो वेयर कर सकते हैं। तो अब आप चलेंगे हमारे सेकेंड फ्रॉक की तरफ। सेकेंड फ्रॉक जो है ये मैंने अलमीरा से ही सेल में बाय किया था,
और ये रेडी टू वेयर था, लेकिन मुझे जो है इसको थोड़ा सा डिफरेंट करना था। जैसा कि मुझे थोड़ी सी जो है वो चाहे वो रेडी टू वेयर हो चाहे वो अनस्टिच ड्रेस हो, उनको थोड़ा सा डिफरेंट करने का शौक है, डिज़ाइनिंग करने का शौक है। तो फिर मैंने इसको जो है थोड़ा डिफरेंट कर लिया। ये जो इसका बैंड गला है, बैंड गला इस तरह से ये जब बटन लग जाएंगे तो वो बंद हो जाएगा और इसकी लुक बहुत प्यारी आती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। गर्मियों में थोड़ी सी गर्मी होती है लेकिन सर्दियों में बहुत अच्छा बेस्ट रहता है ये। और इसकी जो ये डिज़ाइनिंग है ये अलग से जो है वो पीस लगा हुआ था और इस पर छोटे छोटे से ये देखें मोटिव्स के लिए छोटे छोटे से बंचेस के लिए इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई थी। लेकिन अगर आप बनवाना चाहें तो इस तरह से छोटे छोटे बंच भी मिलते हैं इजीली, वो लगा सकते हैं। अगर ये फ्रॉक आप लोग स्टिच करवाना चाहें, खुद स्टिच करना चाहें या करवाना चाहें टेलर या दर्जन से, तो ईजिली करवा सकते हैं। फिर इसकी जो इस तरह से मैंने डिज़ाइनिंग की थी वो ये की थी कि जो इसका जो अलग से इस तरह से पीस लगा हुआ था वो प्रोमिनेंट नहीं हो रहा था, वो जो मतलब इसकी जो प्रिंटिंग है उसी में छुप रहा था। तो मुझे इसको प्रोमिनेंट करना था, ऐसा मतलब ऐसा शो करवाना था कि ये वाकई में ये अलग से पीस लगा हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको इस तरह से पिको करवा ली जाए कि ये जो शीशे के नगीने वाली जो चेन होती है उस तरह से पिको वाले के पास मैं गई और उसी से मैंने ये नगीने वाली चेन बाय की और इसी के पास से मैंने ये हैंगिंग्स ली और ये इस तरह से मैंने ये पिको से सब लगवाया है। तो ये पिको से इजीली हो गया, अफोर्डेबल भी पड़ा मुझे और मेरे जो डिज़ाइन है वो अच्छी भी हो गई और मेरी जो ये फ्रॉक के लें कुर्ती के लें बहुत ही और इस पर चार चांद लग गए। और इसकी जो स्लीव्स थी वो इस तरह से जिगजैग थी स्टाइल की थी और ये डोरी लगी हुई थी। इसकी ये डोरी मुझे बहुत प्यारी लगती है, ये ब्लैक और गोल्डन सीक्वेंस वाली बहुत प्यारी सी लगती है, थोड़ी सी डिफरेंट सी ये डोरी है, बहुत इजीली नहीं मिलती हैं ये, ढूंढना पड़ेगा लेकिन मिलती जुलती मिल जाएंगी। और स्लीव्स पे जो है वो पाइपिंग भी हुई हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लू कलर की, ये दोनों स्लीव बिल्कुल सेम है, यहाँ आपको इजीली समझ आ जाएगा जिगजैग स्टाइल से ये डोरी है। और फिर ये डोरी को हम मतलब बंद करेंगे जब हम इसको वेयर करेंगे। और यहाँ पे दामन पे देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू कलर की पाइपिंग हुई हुई है और कोई डिज़ाइनिंग नहीं है। और दामन पे मैंने इस तरह इसलिए इसको नहीं छेड़ा क्योंकि मैं चाहती थी थोड़ा सा ये जो इसका जो लुक है वो इसी तरह से ही प्यारा लग रहा था, इसी तरह से पीको के बाद ही अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने इसको एज इट इज़ रहने दिया। और बैग इसकी बिल्कुल प्रिंटेड है और इसके कलर कितने खूबसूरत हैं, वाइब्रेंट से कलर हैं, चाहे समर हो विंटर हो बहुत ही प्यारे लगेंगे दोनों ही सीज़न में वेयर किए हुए। और ये जो है वो दोनों ड्रेस की ओवरऑल लुक है। तो आप लोगों को दोनों ड्रेस में से दोनों फ्रॉक्स में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा और वीडियो अच्छी लगी हो डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज़।